कि राजनीतिक दल होते क्या हैं और विचारधारा के आधार पर कौन कौन से राजनीतिक दल हैं। और वहाँ से एक क्वेश्चन किया हमने कि जो राजनीतिक दल हैं भारत के अंदर, उनको हम लेबल क्यों नहीं कर सकते। तो हमने आपको बताया था भले ही अलग अलग आइडियोलॉजी के पॉलिटिकल पार्टियां हैं लेकिन उनकी नीतियां बदलती रहती हैं और नीतियां बदलने की वजह से हम उनको लेबल नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है जो राइट विंग है वो भी लेफ्ट विंग की विचारधारा को अपनाती है और कई बार लेफ्ट विंग है वो भी राइट विंग की विचारधारा को अपनाती है। तो ये क्वेश्चन हो गया था। आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आज हम करेंगे कि नीड क्यों है पॉलिटिकल पार्टीज की, राइट। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी लोकतंत्र में ज़रूरत क्या है। अगर पॉलिटिकल पार्टी ना हो तो क्या हो। अगर व्यक्ति मान लीजिए बिना पॉलिटिकल पार्टी के चुनाव लड़ता है तो क्या हो, सोच के देखिए आप। मान लीजिए गुजरात के अंदर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी से कैंडिडेट नहीं उठा है बल्कि वो एक आम क्षेत्र से उठा है और वो चुनाव लड़ रहा है, तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी आपको पता है। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना बेटे, उसकी एक तो विचारधारा होती है और वो पूरे राष्ट्र के बारे में सोचती है या पूरे क्षेत्र के बारे में सोचती है। अगर वो गुजरात का चुनाव लड़ रहे हैं ना तो वो पूरी पॉलिटिकल पार्टी पूरे गुजरात को ध्यान में रखकर बनाई गई क्षेत्रीय पार्टी है, ना कि जूनागढ़ को या सोमनाथ को या गिर सोमनाथ को, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए ज़रूरी है कि जब चुनाव लड़े जाएं तो वो पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट हो ताकि वो सभी के हितों को साथ में लेकर चले। जैसे दो तरह की पार्टियां होती हैं, एक आपकी राष्ट्रीय पार्टी होती है एक आपकी क्षेत्रीय पार्टी होती है, ठीक है। राष्ट्रीय पार्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि उसकी शाखाएं हर जगह फैली होती हैं। मान लीजिए बीजेपी है या कांग्रेस है, वो राष्ट्रीय लेवल पे है, फिर नीचे स्टेट लेवल पे है, आपको गुजरात में मिलेगी, आपको हरियाणा में मिलेगी, आपको महाराष्ट्र में मिलेगी, हर जगह मिलेगी ना उसकी शाखाएं। और वहाँ वहाँ नहीं, बिल्कुल नीचे ग्राउंड लेवल पर भी उसकी शाखाएं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, यानी पूरे के पूरे इंडिया में वो फैली होती है, तो उस पूरे इंडिया के हितों को देखेगी कि नहीं देखेगी। अब क्षेत्रीय पार्टी देख लीजिए, मान लीजिए एक पार्टी है हरियाणा की इनेलो, वो पार्टी किसके हितों को देखेगी, हरियाणा के हितों को देखेगी। और जब पार्टी होगी नहीं, कैंडिडेट निर्दलीय होगा, तो वो तो किसके बारे में सोचेगा, सिर्फ उस एरिया के बारे में जिस एरिया से वो उठा है। इस वजह से पॉलिटिकल पार्टीज की क्या होती है, हमें नीड होती है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, राजनीतिक दल जो होते हैं वो चुनाव लड़ने का काम करते हैं, चुनाव का प्रचार करने का काम करते हैं, क्लियर। वो लोगों से कांटेक्ट में आते हैं, लोगों से क्या लेते हैं, उनकी विचारधाराएं लेते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स लेते हैं और एक क्या बनाते हैं, जनमत बनाते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का आप एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आपकी बहुजन समाजवादी पार्टी है। आपको पता है बहुजन समाजवादी पार्टी ज़्यादातर किसके लिए जानी जाती है, दलित वर्ग के लिए, दलित वर्ग के उत्थान के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं सिर्फ दलित वर्ग का ही उत्थान करेगी, बाकी लोगों का भी करेगी, लेकिन वो दलित वर्ग के उत्थान के लिए क्यों जानी जाती है पता है आपको, क्योंकि वो दलित लोगों के ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहती है, दलित लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहती है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो चुनाव का प्रचार कैसे करती है, लोगों के व्यूज़ लेके आती है, जनमत तैयार करती है, उसी के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं और जीते जाते हैं, राइट। सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ कि क्या करते हैं राजनीतिक दल, चुनाव का प्रचार करते हैं और चुनाव को जीतने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। और फर्स्ट क्या है, लोगों के हितों को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन, पॉलिटिकल पार्टीज। और क्या काम करती है पॉलिटिकल पार्टीज, कानून कैसे बनते हैं आपको पता है, कानून संसद के अंदर बनेंगे, विधायिका के अंदर बनेंगे कानून। अब विधायिका के अंदर जब कानून बनते हैं तो आपको पता है कोई ना कोई सदस्य विधायिका के अंदर किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, कोई बीजेपी से बिलोंग करता होगा, कोई समाजवादी पार्टी से बिलोंग करता होगा, कोई कांग्रेस से बिलोंग करता होगा, करते कि नहीं, कोई आप पार्टी से बिलोंग करता होगा। तो कानून बनाने में हेल्प करते हैं राजनीतिक दल, क्यों भाई, क्योंकि वो प्रेशर डालते हैं सरकार के ऊपर, वो प्रेशर डालते हैं इस तरह के कानून आने चाहिए, नहीं तो डराते भी हैं अगली बार आपकी सरकार नहीं आने वाली, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या था कि वो क्या करते हैं,
जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या करते हैं, वो चुनाव का प्रचार करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, कानून बनाने में हेल्प करते हैं। Thank you.
चीजें होती है वो आम जनता को नहीं समझ में आती, आसान भाषा में पॉलिटिकल पार्टी उनके सामने रखती है, बताती है कि आपने देखिए इसी पार्टी को वोट देना है, या आपके लिए ये स्कीम लेके आई, मनरेगा स्कीम लेके आई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लेके आई, स्वच्छ भारत अभियान स्कीम लेके आई, और भी बहुत सारी स्कीम है, किसानों के लिए फ्री सोलर सिस्टम पंप लेके आई। ये सारी स्कीम्स लोगों को नहीं पता होता है क्योंकि सबको इंटरनेट की टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं होती, लेकिन ये नॉलेज आम लोगों तक कौन पहुंचा रहा है? पॉलिटिकल पार्टी। तो मशीनरी जो सरकार की जो स्कीम है वो लोगों तक पहुंचाने का काम कौन कर रही है? पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। सिट डाउन। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होंगी तो ये सारे काम होंगे? तो अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों है, तो पता चल गया, चुनाव लड़ने का काम, कानून बनाने का काम, सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का काम, बड़े फैसले में हेल्प करती हैं, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करती हैं, ठीक है, और एक जनमत तय करती है, जनादेश तय करती है कि लोगों को क्या चाहिए। ये सारे काम किसके द्वारा किए जाते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के सामने क्या क्या प्रॉब्लम है, चैलेंजेस क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन के आने के चांस भी हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स है पॉलिटिकल पार्टीज के सामने? वॉइस, क्या प्रॉब्लम्स है? आपको क्या लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज के सामने क्या प्रॉब्लम है? बताइए, ये तो जनरल चीजें हैं बेटे, आप वैसे भी बता सकते हो सोच के। दीपिका, हाँ बताइए बेटे। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, इसका मतलब क्या है बताएं? कितनी मसल्स पावर है उसके पास, कितने पैसे हैं, यानी टिकट देते टाइम
तो आंतरिक डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी का काम होता ना बेटे, वो डेमोक्रेसी के हिसाब से नहीं चलता। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, लोगों की सहमति नहीं होती। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसके अंदर, हाँ, राजनीतिक दलों के सामने। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, वंशवाद। और ये तो इससे भी बड़ी प्रॉब्लम लगती है मुझे, सेकंड प्रॉब्लम वंशवाद है भाई। देखो कैसे, आप मैंने किसी का एग्जांपल उठा के देख लीजिए, किसी भी स्टेट का एग्जांपल उठा लीजिए, किसी भी राज्य का एग्जांपल उठा लीजिए। मैं अपने हरियाणा की बात बता देती हूँ, गिने चुने लोग ही हैं, गिने चुने परिवार ही हैं, वही राजनीति में आते हैं, वही MLAs बनते हैं, वही मुख्यमंत्री बनते हैं, कोई आम चेहरा नहीं नजर आता। और आता भी ना, रेयर चांस, और आता है तो बदलाव लेके आता है। अभी आप इतिहास उठा के देखिए, कांग्रेस फैमिली कब से राज कर रही है कर रही है कि नहीं कर रही है। आप BJP का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, एक्सेप्शन छोड़ के नरेंद्र मोदी का, राइट? नहीं तो वही जितने भी चेहरे हैं वो पीछे के ही हैं, है नहीं BJP में भी। मतलब कहने का मतलब क्या है बच्चे, कहने का मतलब ये है, आप तमिलनाडु का एग्जाम्पल ले लीजिए, AIDMK का ले लीजिए, तृणमूल कांग्रेस का ले लीजिए, समाजवादी पार्टी का ले लीजिए, उत्तर प्रदेश की यूपी में समाजवादी पार्टी, पूरी की पूरी फैमिली, नाती नाता बेटा बेटी सब इंक्लूड हैं। मतलब दूसरे लोगों को मौका नहीं मिल रहा। तो वंशवाद यानी कुछ ही फैमिली का राजनीति के ऊपर अधिकार होना, पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर अधिकार होना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो दूसरी प्रॉब्लम समझ में आई। थर्ड प्रॉब्लम क्या है, हाँ, अपराधी गतिविधियाँ, इसको तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, यस बताओ अंकल। जो पैसे वाले लोग होते हैं वही उम्मीदवार को खड़ा करते हैं बार बार, टिकट इनको मिलती है, मसल्स मनी पावर को मिलती है कि नहीं मिलती है ज्यादातर? आप सर्वे कर लीजिए, कितना परसेंट मिलेगा आपको, अपराधी मामला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसके अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। सिट डाउन, और बताएंगे, हाँ, विकल्पहीनता, अल्टरनेट नहीं है आपके पास, BJP कांग्रेस, कांग्रेस BJP। देखिए 1947 से लेकर 1977 तक की कोई सरकार नहीं बनी। उसका ना बनने का रीजन हो सकता है बेटे कि कांग्रेस ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। 1977 तक सिर्फ और सिर्फ सेंटर की बात हो रही है, कांग्रेस का राज रहा। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार 1970 में आई थी, वो भी गठबंधन से। फिर देख लीजिए गठबंधन का दौर चला 1989 से लेकर 2000 तक, 99 तक लगा लीजिए। फिर कांग्रेस आई दो बार, 2004 में आई, फिर दोबारा से फिर आई 9 में आई, फिर 2014 में अब BJP आ रही है, और दोबारा से फिर 2019 में BJP आ रही है, तीसरी पार्टी नजर आ रही है सेंट्रल लेवल पे। अल्टरनेट नहीं है हमारे पास, मेनली दो ही पार्टियां घूमती रहती हैं या फिर गठबंधन आ जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम है किसके अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, चुनौती है बेटे उनके लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गुटबंदी। गुटबंदी क्या है, क्या मतलब है गुटबंदी का, जब हमारी विचारधारा नहीं मिलती ना, हम गुट बनाना शुरू कर देते हैं। आपको पता है 1969 में ही कांग्रेस का दो पार्ट हो गए थे। 1969 में विचार मतभेद होने की वजह से कांग्रेस दो भागों में डिवाइड होगी, फिर 1989 में फिर कांग्रेस दो भागों में डिवाइड होगी, समझे? और अभी आपको एग्जांपल बता देती हूँ, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, वहां पर भी विभाजन हुआ और तृणमूल कांग्रेस बनी ममता बनर्जी की पार्टी। तो मतलब क्या, थोड़ी सी भी अगर कोई प्रॉब्लम होती ना तो सुलह की गुंजाइश नहीं है, गुट बना लिए जाते हैं, गुट बना के अलग पार्टी बन जाती है। और आप देख रहे हो आज के टाइम में बेटे, आप MP का एग्जाम्पल ले सकते हो, इवन राजस्थान का एग्जाम्पल भी आया था, लेकिन वहां पर सरकार गिरी नहीं। इससे पहले आप कर्नाटक का एग्जाम्पल ले लीजिए, कर्नाटक में देखा, पहले सरकार बनती है,
सेकुलर पार्टी की और किसकी, कांग्रेस की, बहुमत किसी को नहीं था। लेकिन फिर धीरे धीरे समर्थन वापस ले गया और किसकी आ गई सरकार, बीजेपी की। यानी दल बदल का कमजोर होना, दल बदल कानून सही ना होना, ये भी एक प्रॉब्लम है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको पता है दल बदल की एक बात नहीं समझ में आती मुझे, रिजाइन देते हैं लोग, रिजाइन देके फिर चुनाव लड़ते हैं, फिर दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं। भाई दल बदल का कोई औचित्य हुआ, कोई बेनिफिट हुआ दल बदल कानून का? दल बदल कानून क्यों बनाया गया था कि दल बदल पे रोक लगाई जाए? दल बदल पे इनडायरेक्ट रूप से रोक लगा दी, डायरेक्ट रूप से नहीं लगा पाए वो। क्यों नहीं लगा पाए? क्योंकि वो क्या करते हैं, देखिए आप एग्जांपल देख सकते हो, कर्नाटक का एग्जांपल। कर्नाटक में क्या हुआ कि जो कांग्रेस के सदस्य थे, जो विधायक थे, उन्होंने क्या किया बेटे, रिजाइन दिया। किसको? विधानसभा के अध्यक्ष को रिजाइन दे दिया। अब रिजाइन देने के बाद कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दल बदल तब माना जाएगा अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट से आप चुनाव जीते और फिर दूसरी पार्टी में मिल गए तो दल बदल है। अब रिजाइन दे रहे हो, रिजाइन देने के बाद दोबारा चुनाव लड़ रहे हो तो दल बदल नहीं है। दोबारा चुनाव लड़े किस पार्टी के टिकट से लड़े, बीजेपी की, और सरकार किसकी आ गई, बीजेपी की। तो क्या दल बदल रुका? दल बदल नहीं रुका, बल्कि उल्टा हमारा नुकसान हुआ, क्योंकि जितनी बार इलेक्शन होते हैं उतनी बार ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, वो पैसे आपके जेबों से जाते हैं, आपके पॉकेट से जाते हैं। तो दल बदल कानून का सही ना होना, स्ट्रोंग ना होना, ये भी प्रॉब्लम है किसकी, राजनीतिक दलों की। और क्या प्रॉब्लम है, महिलाओं के लिए सही सीट नहीं है, मतलब महिलाओं को के लिए सीट आरक्षित नहीं है। आपको पता है अगर हम सर्वे करें 2021 का, तो 2021 तक भी 10% महिलाएं भी राजनीति में नहीं है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें ना बेटे, पूरे वर्ल्ड की, तो वहां पर 14% 14.4 इतना परसेंट जो है पूरे वर्ल्ड में महिलाओं का है भाई, महिलाओं को। और राजनीतिक दलों में ना महिलाओं को ऊंचे पद नहीं दिए जा रहे, ये भी प्रॉब्लम है। तो क्या होना चाहिए, ऊंचे पद दिए जाने चाहिए, नहीं दिए जाने चाहिए? मैं आपको दो चीज़ें बता रही हूँ बेटे, सॉल्यूशन भी बता रही हूँ, प्रॉब्लम भी बता रही हूँ। अगर आपकी प्रॉब्लम आए ये बताओ, और सॉल्यूशन में भी इनको थोड़ा सा मोल्ड करके बता दो। देखो प्रॉब्लम में क्या बताओगे, सीटें नहीं है महिलाओं के लिए। सोल्यूशन में क्या बताओगे, सीटें होनी चाहिए अध्यक्ष पद पर, उपाध्यक्ष पद पर सीटें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए प्रत्येक महिलाओं के लिए? राजू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए सीटें? तो ये क्या है, चैलेंजेस हैं और इन्हीं के आधार पर सुधार है। क्लियर हो गया क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? 5 नंबर में आएगा तो कर सकते हो, और सॉल्यूशन भी आपके सामने है। क्लियर हुआ? अभी आप मुझे एक क्वेश्चन और बताइए कि जो राष्ट्रीय दल हैं उसका क्या बेनिफिट है, और किस दल को राष्ट्रीय दल मानेंगे और किस दल को राज्य दल मानेंगे, बताइए, कौन बताएगा? राष्ट्रीय दल जो होते हैं वो कौन से हैं और जो राज्य दल है वो कौन से हैं? इस साइड का क्वेश्चन आपका उसमें भी आएगा था ना बेटे, अभी जो आपके कौन से एग्जाम हुए हैं प्री बोर्ड में, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था ना। तो राजनीतिक दल कौन से हैं? आपको पता है वर्तमान में कितने राजनीतिक दल हैं? 8 है, एनसीईआरटी में 7 दे रखे हैं, लेकिन आपका जो नया राजनीतिक दल है वो कौन सा है? एनपीपी, नेशनल पीपल पार्टी। कहाँ की है ये? मेघालय की। अभी वर्तमान में कितने राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? 8 है। नेशनल पीपल पार्टी ये कहाँ की पार्टी है? मेघालय की। आपको पता है इसको नेशनल पार्टी कैसे घोषित किया गया? नेशनल पार्टी तब घोषित कर सकते हैं जितनी भी वैलिड वोट पड़ी है। कहाँ, कौन से चुनाव में? लोकसभा चुनाव में। कितनी? लोकसभा चुनाव में जो वैलिड वोट पड़ी है उसका कितना परसेंट होना चाहिए? 6%। और सीटें कितनी होनी चाहिए? 4। कितने स्टेट में?
मेघालय में मिला है सीट, ठीक है, असम में मिला है, नागालैंड में मिला है और 6% वोट पे मिला है, तो ये कौन सी पार्टी बनगी? राष्ट्रीय पार्टी बनगी। ठीक है, अब जो दूसरी कंडीशन है इसी में, जैसे लोकसभा की कितनी सीटें हैं बेटे वर्तमान में? 5, 4, 3, इसका 2%, इसका 2% कितनी सीटें होंगी? 11 सीटें। या तो ये हो या नीचे वाले, आप नीचे वाली कंडीशन भी लिख सकते हो कि कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी तब कहलाएगी जब उसको लोकसभा की जितनी सीटें हैं उसका कितना परसेंट मिला हो? 2%। 2% का मतलब 11 सीटें, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेशनल पार्टी बोलेंगे। अब राष्ट्रीय पार्टी किसे बोलेंगे? नेशनल पार्टी तो आपको पता होगा ना कितनी है, 8 है। कौन कौन सी आपको पता है? कांग्रेस है, बीजेपी है, एनडीपी है, सीपीआईएम है, ठीक है ना, एआईडीएमके, तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी है बेटे अभी फिलहाल वर्तमान में, वो क्षेत्रीय भी है लेकिन मेनली क्या है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी क्या आपकी वो अभी से है, 2-4 सालों से पहले, हाँ जी 2016 से है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब राज्य पार्टी, राज्य पार्टी में क्या कंडीशन है? हाँ बताइए, बोलिए, हाँ जी बोलो, राज्य पार्टी में क्या होगा? ऊंचा बोलेंगे बेटे, विधानसभा का चुनाव हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके गुजरात विधानसभा के चुनाव हुए, सिट डाउन, बिल्कुल ठीक है, गुजरात विधानसभा के चुनाव हुए आपके, तो जितने गुजरात विधानसभा में जो वैलिड वोट पड़ी थी, ठीक है, उनका कितना परसेंट? तो विधानसभा के वैध मतों का, कुल वैध मतों का, विधानसभा के कुल वैध मतों का, जितने भी वैध मत है, मान लीजिए इतने हैं, तो इसका 6% निकालो, जितने भी है, ठीक है, उनका 6% प्लस विधानसभा में कितनी सीटें होनी चाहिए? यहीं पर 2 सीटें होनी चाहिए, आपकी गुजरात में 2 सीटें भी होनी चाहिए, तो विधानसभा में 2 सीटें, तो पता चल गया कौन सा दल राष्ट्रीय दल है और कौन सा दल आपका राष्ट्रीय दल है और कौन सा राज्य दल है, और आपको बेनिफिट पता होने चाहिए। राष्ट्रीय दल है तो उसका क्या बेनिफिट है, बता सकते हैं कोई बच्चा? पूरे राष्ट्र को साथ में लेके चलेगा और एक पॉलिसी फॉलो हो सकती है, लेकिन उस पार्टी को क्या बेनिफिट होगा, उस पार्टी को क्या बेनिफिट होगा कि वो राष्ट्रीय पार्टी है, दूरदर्शन पर ये जो सरकार के चैनल है उसके फ्री प्रचार कर सकते हैं, ठीक है ना, उनको जो चिन्ह मिलेंगे, जो निशान मिलेंगे, जो सिंबल मिलेंगे, उनमें वरीयता मिलेगी, उनको सबसे पहले दिए जाएंगे, ठीक है ना, और क्या बेनिफिट है? बेनिफिट भी तो पता होना चाहिए ना कि राष्ट्रीय पार्टी है तो उसके बेनिफिट क्या है, क्या बेनिफिट पता चला आपको? सिंबल मिलने में वरीयता मिलती है और प्रचार जो होता है वो फ्री होता है, उनके बैनर पोस्टर वगैरह उसमें हेल्प मिलती है। तो भी क्लियर हुआ आपको कि क्या क्या चैलेंजेस है, राष्ट्रीय पार्टी क्या है, राज्य पार्टी क्या है, गॉट इट? और अब आपका एक पोर्शन रह गया बस इसका, और वो कौन सा पोर्शन रह गया कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी पूछी जा सकती है, ठीक है, धन्यवाद।